are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear. And you got to call the External Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. I've always been very good. This runs the risk of damaging a very strong bilateral relationship, which would be very unfortunate. ट्रूडो ने जिस भाषा में भारत का विरोध किया वो बहुत ही गलत है। आपके पास कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है और अनावश्यक आप आरोप लगा रहे हैं भारत की सरकार के ऊपर। हमें ऐसे दबाया जाए और हमारे खिलाफ जो काम करते हैं उनको कोई देश आश्रय दे और हमें फिर लेक्चर दे और हमें उसको सुनना पड़े, ये नहीं चलेगा। अगर ये जो आरोप हैं ये सच्चे साबित हुए फिर ये तो बहुत संगीन मामला है। आपने भारतीय अधिकारी को अपने देश से देश निकाला दिया। They have really jeopardized the state of a very good relationship, which was not only a secure relationship but one where people to people contact was very soundly established. ये सवाल पूछने पर हमको मजबूर कर दिया कनाडा ने कि आतंकवादियों का नया अड्डा कनाडा, मतलब सोचिए ना, चट भारत का विरोध, पट कनाडा का पासपोर्ट। कैसे कनाडा खालिस्तानियों के मुंह से सुनते ही कि उन्हें भारत में डर लगता है, खालिस्तानियों को कनाडा आने की अनुमति दे देता है, यह आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन पहले बात कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच पैदा हुए कूटनीतिक तनाव की। ऐसा कूटनीतिक तनाव जो शायद आज से पहले किन्हीं दो लोकतांत्रिक देशों के बीच शायद कभी हुआ हो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इशारों इशारों में आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताया तो भारत ने साफ कर दिया कि आरोप बेतुके और इनका मकसद कनाडा में शरण लेने वाले खालिस्तानियों के मुद्दे से ध्यान भटकाना है। संरक्षण दे रहे हैं आप तो आतंकवादियों को, भारत सरकार के दावे में दम है क्योंकि आज कनाडा खालिस्तानियों के लिए सेफ हेवन बन चुका है। कितना सेफ है वैसे ये भी नहीं पता, ये जितने सेफ हैं आतंकवादी उस सेफ हेवन में भी सेफ नहीं है, सारे मर रहे हैं। कौन मार रहा है हमें नहीं पता लेकिन सारे सेफ हेवन भी नहीं रहे हैं, इनके लिए स्वर्ग बन चुका है। आज की तारीख में कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान से भी ज्यादा सुरक्षित नजर आ रहा है। हमने कल भी कहा था ट्रूडो का अरमान बनना चाह रहे हैं इमरान पाकिस्तान की राह पर कनाडा, इसलिए वहां खालिस्तानी आतंकवादी ना सिर्फ फल फूल रहे हैं बल्कि बकायदा वहां इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने अपने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए। तस्वीरें देखिए, AK-47 से फायरिंग करता हुआ खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर, जो आतंकवादी निज्जर न्यूज 18 जून को कनाडा के सर्रे में मारा गया ना, जिस आतंकी के मरने पर आंसू निकल रहे हैं इनके, ये आतंकी के मरने पर मातम कुछ लोग बना रहे हैं कनाडा में, वो खुद कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाता था। उसी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आतंकवादी निज्जर AK-47 राइफल से धनाधन गोलियां दागता हुआ दिख रहा है। ये देखिए आप AK-47, ये आतंकवादी मरा है। ये तो जितने आतंकवादी इस तरह के मरे अच्छी चीज है, गुड न्यूज होती है भाई। कहा यह जा रहा है कि वीडियो 2017 का है और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में मौजूद खालिस्तानियों के टेरर कैंप का है, टेरर ट्रेनिंग कैंप का। काली
दिए गाली गाली। सोचिए इस आतंकवादी दो कौड़ी के आतंकवादी के चक्कर में कनाडा ने भारत से रिश्तों को दांव पर लगा दिया। इस आतंकवादी के चक्कर में AK-47, आप सोचिए कनाडा में AK-47 जैसा हथियार प्रतिबंधित है, लेकिन आम आदमी मतलब इस आम आदमी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से निज्जर आतंकवादी निज्जर AK-47 से दनादन गोलियां चला रहा है कनाडा के अंदर, उसे देखकर सवाल उठ खड़े होते हैं कि क्या ये सब कुछ जस्टिन ट्रूडो की सरकार की नाक के नीचे हो रहा था, संरक्षण मिला हुआ था? और अगर हो रहा था तो जिस निज्जर की मौत पर आज कनाडा की सरकार मातम बना रही है उसे तो जेल में होना चाहिए था। भारत मतलब आप सोचिए संप्रभुता सॉवरेंटी की बात करी ना जस्टिन ट्रूडो ने, भारत की संप्रभुता का क्या, भारत की संप्रभुता के लिए खतरा ऐसे आतंकवादी जिनको आपने शरण दे रखी है खुलेआम AK-47 चला रहे, वहां शायद ज्यादा सुरक्षित रहता और उसकी जान बच जाती। वैसे निज्जर कैसे भारत के लोगों के खून का प्यासा था ना, उसके कई सबूत हमारे हाथ लगे हैं। ये निज्जर का ही एक पुराना वीडियो है जिसमें वो उन आतंकवादियों की प्रशंसा कर रहा है जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल AS वैद, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और दिल्ली के सांसद की हत्या की थी। जे इंदिरा ने अटैक किया 31 अक्टूबर सोधा ला के गड्डी चाड़िया, जिहड़ा कमांडर बनया फिरदा सी जनरल वैद्या जिन्हें तख्त पे फौजा लेके आया पुणे दे विच वह भी गड्डी चाड़िया, जिहड़ा लत्तर माकन दिल्ली दे विच बैठा सी 84 दे कतलेआम दा दोषी सी उहनू भी जिंदे सुखे ने गड्डी चाड़िया, जिहड़ा बेअंत कहिंदा सी बुच्चड़ मैं इहनां दे सिर ते पग नहीं रहिण देणी, दिलावर ते हवारे तारे ने गड्डी चाड़िया बंब बन के, यह मिसाल आ। देखिए भारत और कनाडा के बीच शुरू हुए इस विवाद में आज का सबसे बड़ा अपडेट यह कि भारत ने कनाडा में मौजूद भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, बड़ी खबर है, जिसमें हाल ही में कनाडा में भारत के खिलाफ बड़ी गतिविधियों, नफरत आधारित हिंसा और भारतीय दूतावासों और भारतीयों के मंदिरों पर हुए हमलों के मद्देनजर सावधान रहने के लिए कह दिया गया, एडवाइजरी आ गई है कनाडा के मद्देनजर। दरअसल भारत ने कनाडा को उसी की भाषा में जवाब दिया, क्योंकि कनाडा सरकार मतलब कनाडा अक्सर अपने नागरिकों को भारत में कुछ जगहों पर ना जाने की सलाह देता है ना, कनाडा सलाह देता है और यह बताने की कोशिश करता है कि भारत एक कितना सुरक्षित देश नहीं रह गया, असुरक्षित है। ऐसी एक एडवाइजरी को कनाडा ने इस महीने की 18 तारीख को अपडेट करके अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर ना जाने की सलाह दी थी। इसके अलावा पंजाब गुजरात और राजस्थान के उन इलाकों में भी ना जाने की सलाह कनाडा ने दी थी जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। यह एडवाइजरी जारी करके कनाडा पिछले कई वर्षों से अपने नागरिकों को यह बताने की कोशिश करता रहा कि भारत असुरक्षित है, लेकिन इस बार भारत ने भी उसी की भाषा में सबूतों के साथ जवाब देते हुए अपने नागरिकों से कह दिया कि कनाडा में सतर्क रहिए, सावधान रहिए, खालिस्तानी आतंकवादियों का नया अड्डा कनाडा। दूसरा बड़ा अपडेट यह कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपडेट जान लीजिए जल्दी से, बड़ी खबर है। NSA अजीत डोवाल, गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक बैठक हुई। NSA अजीत डोवाल और गृह मंत्री अमित शाह कुछ बड़ा पक रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें कनाडा के साथ शुरू हुए विवाद पर भी चर्चा की गई। दूसरी तरफ इसी विवाद में खबर आज ये आई, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी नए संसद में मुलाकात हुई। एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, अजीत डोवाल, अमित शाह की मुलाकात। अब इस मुद्दे पर जस्टिन ट्रूडो खुद अपने देश में गिर गए हैं। कनाडा के बड़े विपक्षी नेता ओलिवेरे ने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो इस मामले में भारत की संलिप्तता के सबूत उनको देने चाहिए, वो अपने देश में भी गिर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया लेकिन तथ्य लोगों के सामने नहीं रखे, वो बयान भी आप सुन लीजिए। The Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. अब देखिए जस्टिन ट्रूडो अपने घर में गिर गए, पता है सबूत है नहीं, आरोप लगा रहे भारत ने घर में घुसकर मार दिया। उनका विलाप चल रहा है कि भारत ने घर में घुसकर मार दिया हम लोगों को। वैसे भारत कहता है कि घर में घुसकर मारता है, लेकिन यहां हमने नहीं मारा है, यहां हम भी क्लियर कर दें, यहां हमने नहीं मारा है, हमारी सरकार का यह पक्ष है। जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगाकर सिर्फ अपने घर में नहीं गिरे बल्कि वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए। समझ में आ रहा है, इसलिए कह रहे थे कि मैं प्रोवोक नहीं करना चाह रहा इंडिया को, उनका स्टेटमेंट है ना,
मैं भारत को भड़काना नहीं चाह रहा, अब अक्ल आ रही है। खबर यह कि ट्रूडो ने दिल्ली में हुई G20 की बैठक में सार्वजनिक रूप से मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अपने ही सहयोगी देशों का साथ नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और अब भी उनके नए आरोपों पर अभी तक उनका कोई सहयोगी देश उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। ये भारत की कूटनीतिक ताकत का दम है। पर अच्छी बात यह कि इस बार कम से कम हमारे देश के विपक्ष ने भी ना इस पर भारत के रुख का समर्थन किया। बहुत खूबसूरत चीज है ये। कल जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं चलेगा, जीरो टॉलरेंस, और आज भी कई पार्टियों के नेताओं ने सुर में सुर मिलाया है। आतंकवादी के मरने पर मातम मना रहे हैं, शायद आंसू बहा रहे हैं, और करीब 41 साल पहले यही गलती जस्टिन ट्रूडो के पिता ने कनाडा का प्रधानमंत्री रहते हुए की थी। ये कहानी सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। दरअसल पियरे ट्रूडो भी बतौर कैनेडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता, ठीक, क्या नाम, पियरे ट्रूडो भी बतौर कैनेडियाई प्रधानमंत्री खालिस्तानी आतंकवादियों के हमदर्द रहे, उन पर आरोप लगते रहे। 1980 के दशक में पंजाब में खालिस्तान की आग भड़की तो इस दौरान कई खालिस्तानी नेता भारत से भागकर कनाडा जा छिपे। 1982 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो से बब्बर खालसा के चीफ तलविंदर सिंह परमार को भारत को सौंपने की मांग करी, लेकिन पियरे ट्रूडो ने भारत की इस मांग को खारिज कर दिया। तलविंदर सिंह परमार वो खालिस्तानी आतंकवादी था जो ये कहता था कि भारतीय विमान आसमान से गिरेंगे। और सुनिए, 1985, फिर 1985 में ऐसा ही हुआ जब एयर इंडिया के कनिष्क विमान को खालिस्तानी आतंकवादियों ने, बब्बर खालसा के आतंकवादियों ने, अटलांटिक महासागर के ऊपर बम से उड़ा दिया। 329 लोग मरे थे, 268 कनाडा के नागरिक थे, मतलब खालिस्तानी आतंकवादियों के हाथ कनाडा के नागरिकों के खून से रंगे हुए हैं, फिर भी बचा रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादियों को। इस आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड भी तलविंदर सिंह परमार ही था और यह कनाडा के इतिहास में वहां के नागरिकों के खिलाफ हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, नरसंहार कह सकते हैं। लेकिन ना तब ट्रूडो के पिता की खालिस्तानियों के प्रति हमदर्दी कम हुई और ना ही आज उनके पुत्र की हो रही है। लेकिन 41 साल पहले कि भारत और आज के भारत में एक फर्क है, आप तुलना करिए। तब इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी आतंकवादियों के प्रत्यर्पण की मांग कनाडा से की थी कि हमें दे दो, हमें दे दो, लेकिन ट्रूडो के पिता ने साफ मना कर दिया था। और आज उनके बेटे जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि भारत ने उनके घर में घुसकर मारा है, हमें नहीं पता किसने मारा है, ना हमने मारा, हम तो सरकार कह रही है हमने नहीं मारा भैया। लेकिन तब मांग की जा रही थी आतंकवादियों की कि हमें दे दो, और आज उनके बेटे ये कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो कि भारत ने घर में घुसकर मार दिया। अब आपको जस्टिन ट्रूडो के डबल स्टैंडर्ड यानी कि दोहरे मापदंड की एक और मिसाल बताते हैं। 2020 कनाडा के टोरंटो शहर में एक बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलूच की रहस्यमय हालात में मौत हो गई। ये कहानी सुनिएगा। करीमा की लाश टोरंटो में एक नदी के किनारे मिली थी। मौत से पहले करीमा रहस्यमय तरीके से मौत से कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। करीमा कनाडा में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। आरोप आईएसआई पर लगे थे कि कनाडा में घुसकर मार दिया, लेकिन तब ट्रूडो कुछ नहीं बोले, लेकिन साथ अब वो भारत के ऊपर एक तरीके से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कनाडा कैसे दूसरा खालिस्तान बन सकता है ना, भारत से पहले कनाडा में बनेगा क्या खालिस्तान? ये रिपोर्ट देखिए आप। ट्रूडो की सरदर्दी एक आतंकी से हमदर्दी। They have really jeopardized the state of a very good relationship. It was not only a secure relationship, but one where people-to-people contact was very soundly established. It's most unfortunate that Canada has behaved in this manner. ट्रूडो मददगार, कनाडा में आतंकियों की पनाहगार। जस्टिन ट्रूडो ने जिस भाषा में भारत का विरोध किया वो बहुत ही गलत है। आपके पास कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है और अनावश्यक आप आरोप लगा रहे हैं भारत की सरकार के ऊपर। ट्रूडो पर भारी, आतंकियों से यारी। भारत विरोधी तत्वों को, संगठनों को, व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रूडो परेशान,
कनाडा में बनेगा खालिस्तान। उनका शब्द था कि क्रेडिबल एलिगेशन, एक आरोपों के आधार पर आप इस प्रकार का बड़ा कदम लिए ठीक नहीं है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि कैसे एक आतंकवादी की मौत पर अफसोस जता रहे जस्टिन ट्रूडो ने अपने सर एक आफत मोल ले ली है। उससे पहले हम आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो उसी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का है जिसकी मौत पर महज 24 घंटे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मातम मना रहे थे। चलिए अब हम कनाडा के प्रधानमंत्री को उन्हीं के देश से जुड़ी एक हकीकत दिखाते हैं। इस वीडियो में आप खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को हाथ में AK-47 लिए फायरिंग करते देख सकते हैं। निज्जर AK-47 से एक के बाद एक कुल 5 गोलियां चलाता है। वीडियो के अगले हिस्से में वो एक टारगेट पर लगातार फायरिंग करते हुए AK-47 से 14 गोलियां बरसाता है। इस वीडियो में निज्जर के साथ एक और शख्स खड़ा दिखाई दे रहा है। वीडियो के तीसरे हिस्से में निज्जर को दोनों हाथों में AK-47 उठाकर फायरिंग करते दिखाया गया है। इस दौरान निज्जर 4 राउंड फायरिंग करता है, यानी कुल 8 गोलियां चलाता है। यह वीडियो 2017 का है, यानी निज्जर की मौत से 6 साल पहले का। शायद कैनेडियाई प्रधानमंत्री ये वीडियो देखना भूल गए, क्योंकि अगर जस्टिन ट्रूडो ने यह हकीकत पहले समझ ली होती तो वो भारत पर कभी आरोप नहीं लगाते। अब पता नहीं ट्रूडो साहब को ये भी पता है कि नहीं, पर हम उनको कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का एड्रेस दिखा देते हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ निज्जर कनाडा में 12551 89A Avenue सरे BC 1A9 में रह रहा था। जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि उनके पास कुछ सबूत है। उनका शब्द था कि क्रेडिबल एलिगेशन, एक आरोपों के आधार पर आप इस प्रकार का बड़ा कदम लिए ठीक नहीं है, ये डिप्लोमेसी के लिए भी ठीक नहीं है, और अगर आपके सबूत हैं तो वो सबूत पेश करें। आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट दैट कनाडा चोज सच अ पब्लिक रूट। इफ एट ऑल दे हैव एन इशू, दीस मैटर्स शुड बी डिस्कस्ड प्राइवेटली विद अ फ्रेंडली गवर्नमेंट लाइक इंडिया, एंड मैटर्स शुड बी डिस्कस्ड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। गोइंग पब्लिक, मेकिंग अ स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट एंड सो ऑन वाज वेरी अनफॉर्चुनेट बाय द प्राइम मिनिस्टर। आइए अब लगे हाथ हम जस्टिन ट्रूडो को NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वो चार्जशीट भी दिखा देते हैं जिसमें निज्जर की काली करतूतें कैद हैं। NIA ने हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख का इनाम रखा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस वक्त कनाडा से ट्रूडो साहब का पॉपुलैरिटी जो है कनाडा में वो काफ़ी गिरा हुआ है। इलेक्शन आ रहे हैं, नज़दीक हैं उनके लिए, मेरे ख्याल से मार्च में है, तो उनको कोई मुद्दा चाहिए, और उनका जो अलायंस है वो गठबंधन में है, उनकी सरकार गठबंधन में है, तो सिख जो पार्टी है उनके साथ, तो शायद मजबूरी से उनको एंटी इंडिया स्टैंड लेना पड़े। कनाडा सरकार ने अपनी धरती पर सभी सक्रिय भारत विरोधी तत्वों को, संगठनों को, व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और जिस तरह देश के कनाडा के प्रधानमंत्री और वहां के विदेश मंत्री ने सदन के अंदर तथ्यविहीन और हास्यपद बयान दिया है वो निंदनीय है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आज की तारीख में कनाडा में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, और यह सिलसिला 1980 से यूं ही चलता आ रहा है। 1985 में किताब डेरिवेटिव असैसिनेशन, हु किल्ड इंदिरा गांधी में इस बात का जिक्र किया गया था।